हेलो गाइस, तो मैं आज की इस वीडियो में फेसबुक फेक अकाउंट क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक बने रहिएगा। तो आप मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है आफ्ताब और टेक मालूमात चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे क्रिएट न्यू फेसबुक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नाम डाल लेना है, फर्स्ट नाम डाल लेना है, उसके बाद सेकेंड नाम डालना है जो सर नेम होता है। तो सिंपली यहाँ पर डाल लेने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बर्थडे डाल लेना है अपना, यहाँ पर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक जेंडर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर डालने के लिए आ रहा है। तो सिंपली नीचे सिंग अप विथ ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ ए डिफरेंट ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी डालने के लिए आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हम बीच से कट कर लेंगे होम बटन से, और उसके बाद यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे टी मेल। सर्च ऐसे करेंगे तो ईमेल आईडी है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल आप अगर यहाँ से नहीं करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सिंपली वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, तो सिंपली इसे ओपन हो लेने देते हैं। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कॉपी पर क्लिक करना है और इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद फिर उसके बाद हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आपको फिर से फेसबुक के अंदर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर पासवर्ड, एक सीक्रेट पासवर्ड आपको चूज़ कर लेना है। तो चलिए हम पासवर्ड डाल लेते हैं। हम फेसबुक का पासवर्ड डाल लिए हैं, तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। तो सिंग अप का एक ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सिंग अप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है, इस तरीके से आपका अकाउंट बनेगा। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ सेव करने का पासवर्ड आ रहा है, सिंपली हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको सेव पासवर्ड पर फिर से क्लिक करना है, अगर सेव करना है तो सिंपली हम सेव। आपको कन्फर्मेशन कोड का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड डालना है। तो इसे आपको कहाँ से लाना है, सिंपली आपको कट कर लेना है। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनबॉक्स का ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट में आपको देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको कोड मिलता है, सिंपली उसे आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम वही वाला कोड वहाँ जा कर के हम इंटर कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम कोड को डाल लेते हैं। तो जैसे डालने के बाद आपको कन्फर्म करेंगे, सिंपली ये कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको, अगर आपको यहाँ पर डीपी लगाना है तो डीपी लगा सकते हैं, वरना आपको स्किप का ऑप्शन मिलता है, सिंपली स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अगर स्किप करना है तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्किप कर लेते हैं, कोई फ्रेंड को हम नहीं लगाते हैं। यहाँ पर फिर से एक ऐसे यहाँ पर स्किप का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर स्किप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फेक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसे गलत यूज न करें। तो ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।